सांस फूलना और घबराहट होना उसका कारण और इलाज इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारे पास में काफी लोग ऐसे आते हैं कि जिनको बीच बीच में सांस फूल जाती है, सांस में तकलीफ होती है, और अभी कोरोना काल है तो थोड़ी भी सांस में तकलीफ होगी तो उनको लगता है कि कोरोना तो नहीं हुआ, ऐसा बहुत डर लगता है, मरने का डर लगता है और फिर ज्यादा ही सांस फूलने लगती है। देखिए, सांस जब फूलती है तो हो सकता है कि वो सांस फूलना बीच बीच में होता है, अटैक्स में आता है, और बीच में आप कंप्लीटली नॉर्मल है। इसका मतलब है कि ज्यादातर ये साइकोलॉजिकली होगा, ज्यादातर साइकोलॉजिकल है। तभी भी आपको क्या करना है कि समझो सांस फूलती है, घबराहट होती है, तो आपने एक बार SpO2 चेक करना है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में कितना है, और वो यदि मोर देन 95 है, मतलब 97-98 ऐसा कितना भी है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने एक्सरे निकाला, HRCT किया, सब तरह की जांच किया और सीने में छाती में कुछ भी तकलीफ नहीं है ऑन इन्वेस्टिगेशन, तो समझ जाना कि ये मेनली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब ये क्यों होता है ऐसा, तो जो लोग बहुत एंग्जाइटी वाले हैं, जिनको एंग्जाइटी न्यूरोसिस होते हैं, तो वो लोगों को ऐसे निगेटिव थॉट आते हैं, कोई तो भी निगेटिव विचार आए, किसने कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा, किसने अपमान कर दिया, किसने किसके ऊपर आपने गुस्सा किया है, या कहीं झगड़ा झंझट हुआ है, तो इसमें फिर एकदम अचानक वो अटैक आ जाता है सांस का, और फिर सांस के अटैक आने के बाद में ज्यादा ज्यादा सांस फूलने लगती है। हो सकता है कि ये पैनिक अटैक का भाग हो। कभी कभी क्या होता है कि कोई मृत्यु की इंफॉर्मेशन या न्यूज आ जाती है तो उससे भी उनको ये होता है, या कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, या किसी ने डांट दिया है, किसी ने चिल्लाया है, गुस्सा किया, तो भी ये अटैक आता है। मगर यदि आपको यदि सब जांच जो की है वो सब नॉर्मल है तो ये मेनली साइकोलॉजिकल है। तो फिर भी करना क्या है, तो पहले आपको जानना जरूरी है कि होता क्यों है। बेसिकली ये होता है नेगेटिव थॉट्स की वजह से। हमारे ब्रेन में जो इम्पल्सेस जाते हैं, सब सृष्टि से परिस्थिति से इम्पल्सेस बार बार जाते रहते हैं, वहां से हमारा ब्रेन पैटर्न्स तैयार हो गए। तो हमारे नेगेटिव ब्रेन पैटर्न्स तैयार हुए, बार बार नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स एक बार आ गए तो नेगेटिव थॉट्स स्टिमुलेट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर तकलीफ देने लगती है, सांस में घबराहट आना, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, ऐसी सांस फूल के घबराहट आ जाती है। तो फिर इसके लिए क्या करें, हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत ही न्यूरोप्लास्टिक है। न्यूरोप्लास्टिक मतलब मैलिएबल है, फ्लेक्सिबल है। यदि आप उसको निगेटिव विचारों का जो उसका फीडिंग अंदर हुआ है उसको पॉजिटिव विचारों में कन्वर्ट करते हैं, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, और पॉजिटिव अफर्मेशन आपको बेस्ट तरीका है हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस, उससे आप पॉजिटिव अफर्मेशन अंदर डालते हैं। क्या होता है कि हिप्नोटिज्म में जो अफर्मेशन आप डालते हैं वो अंदर तक चले जाते हैं, मतलब ब्रेन तक जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं, वहां निगेटिविटी जो है उसको कन्वर्शन करना पॉजिटिविटी में आसान हो जाता है, और धीरे धीरे आपके पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे, तो फिर आपको अटैक्स आएंगे नहीं। अभी इसको टाइम लगेगा, इसको टाइम लग सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने टाइम लग सकता है, मगर आप निरंतर प्रयत्न करेंगे, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। यदि आपको बहुत ज्यादा अटैक आ जाता है, घबराहट का, पैनिक अटैक, तो आप क्लोनेजिपाम जैसी गोली खा सकते हैं, अल्प्रेजोलाम या फिर SSRI में से फ्लॉक्सिटिन, पैरोक्सिटिन, ये गोली अपने जेब में रख सकते हैं और वो तुरंत खा सकते हैं, तो उससे आपको तुरंत फायदा मिलेगा। क्लोनेजिपाम से तो बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, और वो यदि आप दवा अपने पास में रखते हैं हरदम के लिए तो आपको एक्चुअली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर दवा मेरे पास में है ये सुकून से उसको कुछ नहीं होगा। तो आपको इलाज करना है साइकोलॉजिकल, बाय हिप्नोथेरेपी, बाय कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम पॉजिटिविटी के थॉट्स अंदर डालते हैं, जो थॉट्स नेगेटिव है नेगेटिव कैसे है और पॉजिटिव थॉट्स कैसे डालना है उसका इलाज CBT में होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, तो उसमें करते हैं, सम्मोहन उपचार में करते हैं, दवाइयों से करते हैं, ताकि आपको ये जो सांस फूलने की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।